मॉर्निंग, हेलो लवली पीपल। तो आज हम जा रहे हैं डानू रोड, एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे। हमारा बाइकर्स ब्रदरहुड क्लब का 11th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, 2.5 डे सेलिब्रेशन के लिए हम जा रहे हैं। लुक एट द व्यू, आफ्टर व्यू, सेकंड रोड फ्रॉम भिवंडी। खाने भी केम आया भिवंडी, एंड ये रास्ता भी अच्छा था बट अभी फिलहाल खराब दिख रहा है। भिवंडी के ब्रिज से राइट मार के रास्ता आता है, लेफ्ट साइड को जाते तो वो वाला रास्ता खराब है। तो वी विल एग्जिट एट वज्रेश्वर, अराउंड वज्रेश्वर, नियर वज्रेश्वर। पुणे से लोग आ रहे हैं, दे आर गॉट राइडर्स फ्रॉम पुणे एंड वो गॉट राइडर्स फ्रॉम हैदराबाद। तो आउट ऑफ महाराष्ट्र की राइड तो उनकी मस्त होगी टिल पुणे। पुणे के बाद उनको पता चलेगा और रस्तों की वही कहानी मुंबई महाराष्ट्र के आसपास, रस्तों की वही कहानी, बस यही है। खड्डे खड्डे खड्डे, ये जो खड्डे आराम से मेंटेन हो सकते हैं तो मेंटेन नहीं करके कैपेबिलिटीज दिखाते हैं। कितने रस्ते खराब है यार, मुंबई नासिक हाईवे बर्बाद, वज्रेश्वरी रास्ता बर्बाद। तो फाइनली हाईवे टच कर लिया है, कई विरार का खराब सेक्शन बाईपास कर दिया है। अभी हाईवे कैसा मालूम नहीं, तो अभी व्यू एंजॉय करते करते हम लोग हमारे दोस्तों के लिए रुके हुए हैं और हमारे फैंस आ गए फोटो खिंचाने के लिए हमारे बाइक के साथ। सेशन चालू है भाई लोगों का। ये हमारे ग्रुप के सेलिब्रिटी लोग, कौन किसका असिस्टेंट है, कौन किसका असिस्टेंट है। तो अभी हम निकलते हैं, 10 बजे एक मीटिंग अटेंड करनी है। ट्रैफिक जाम शुरू, प्रॉब्ली आगे रास्ता खराब है। मस्त अभी अपन ने हाईवे पे 135 मारा। पल्सर 220 के हॉर्न को सब इज्जत देते हैं भाई। Never mess with the Pulsar 220. Crash without worry. कितना बड़ा गड्ढा है, फोर व्हीलर वालों समझ के लो, टू व्हीलर के रास्ते में नहीं आने का बीच में। बस बचने में सिर्फ 20 मिनट है, 20 मिनट वाला एक मीटिंग है अपना, किसी ढाबे तकलीफ पर रुकना पड़ेगा। निष्पर्ण खत्म हो गया है क्या भाई, ऐसा और हाईवे से तो ठीक ही लग रहा है ये रास्ता, हाईवे पे तो पूरा जाम पड़ा हुआ है। अच्छा लगता है गांव के बच्चों को देख के, स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। फील गुड, मेरे को सीएम बना दो महाराष्ट्र का, एक नंबर रास्ते बना दूंगा। यहाँ भी ट्रैफिक जाम हो गया क्या, टाटा सफारी। सो
अभी क्लाइंट मीटिंग करके हम आई शाबाश रुक के क्लाइंट मीटिंग करके अग्रसर हो रहे हैं टूवर्ड्स अवर डेस्टिनेशन। 40 किलोमीटर अभी और जाना है तो गांव के रास्ते से नेशनल हाईवे 168। दिस इज नेशनल हाईवे 48। थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा एक 3 किलोमीटर का मेरे को रोड अच्छा मिला था गांव के अंदर का। ये नेशनल हाईवे 48 है और ये करीबन 3-4 साल से तो बन ही रहा है, अब तक पूरा नहीं हुआ बन के, इस वाला फुल टेढ़ा होकर जाएगा। चलो टू व्हीलर वाले के नसीब में ऑफ रोड ही लिखा है। अब भी बोला साला 30 किलोमीटर को 1 घंटा क्यों दिखा रहा था। क्या हमारे कभी अच्छे रास्ते मिलेंगे, खत्म होगी आज से 50 साल बाद, क्या ये जनरेशन कभी अच्छे रास्ते देख पाएगी, आइए पता करते हैं। जो ऐसा लगता है कि 50 साल में लोग अच्छे रास्ते बन जाएंगे अमेरिका जैसे। बराबर अजून गेले का इथून, अजून गेले का इथून, अजून माझे मित्र गेले का इथून, थँक यू। मेरे को भयंकर वाले गांव के रस्तों को दिखा दिया है, वहां तो रात में आने में 4:25 हो जाएगी, डर लगता है भूतों से। अभी हम पालघर डिस्ट्रिक्ट में हैं और ज़्यादा देर अच्छा रास्ता मिलता है तो अजीब सा लगता है, क्योंकि मुंबई में खराब रास्ते में चला चला के आदत खत्म हो गई अच्छे रास्ते की, तो बहुत अजीब सा। जिसने भी ये रास्ता बनाया उसको बहुत बहुत थैंक यू स्पीड ब्रेकर नहीं ऐड करने के लिए ये रोड पे। कॉल वरती होता हो मध्ये थांबले होते कॉन्ग्रॅच्युलेटिंग मी मी पोहोचलो फायनली फायनली पोहोचलो। किती किती टाइम झाला तुम्हाला? 1.5 तास जस्ट 5 मिनिट बिफोर वी पोहोचली। 5 मिनिट बिफोर पोहोचले तर एमसी मधनं आम्ही पण येईन ना पोलीस स्टेशन सर पोहोचले ना पोलीस आला आमचा हाय क्राईम ब्रांच झाले पण क्राईम ब्रांच झाले पोहोचिंग बिफोर ओके ओके कुठं मागे राहिला होता क्या
हीरो वो सामने वाला है। देना है क्या? सामने वाला है। की तो ढंग से पकड़। अरे इसका क्या ढंग का एक ही ढंग से पकड़ने पाती है। सामने एरिया, सामने एरिया। ये हमारे प्रीतम भाई। पट्टा से शॉट। Alpha Fire from Pune team. Ishan. This
इसके सिवा सभी लोग हैं जो ये पूरा बीबीसी को एक अलग स्टैंड देता है। सो आई थिंक एक जोरदार तालियां एवरीबॉडी। ऐसा मत सोचते बड़ा है तो बहुत कुछ रहेगा, बड़े तो छोटा भी होता है और छोटे तो बड़ा होता है। जैन भाई फुटबॉल हैदराबाद टीम उनका पहला लकी में नाम आया है फॉर राफेल टिकट। बड़ा लगेगा मुझे लगा था 77। इनको ऐसे खेला कि कुछ परफॉर्मेंस होना चाहिए इनका। इनसे पहले डांस करवाओ, पहले डांस देखो इनमें कितनी एनर्जी है। बिना परफॉर्मेंस के जाने देना चाहिए नहीं ना। Thank you.